Hi students, a very happy Holi in advance and I hope that आपका career और आपकी life सब कुछ it's very colorful and bright and कुछ अभी discounts चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, यहाँ discounts ज़्यादा नहीं होते but अभी कुछ इस week में discounts चल रहे हैं तो please inquire करिए हमारी admissions team से and प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हम बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं जो डायरेक्टली आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा क्योंकि ये कंपनीज रिपीटेडली आती है आरबीएम गैट पे, तो आपको पहले ही उनके सारे इंटरव्यूज आप देख लोगे तो नेक्स्ट इंटरव्यू में यू कैन एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो दिस इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज जिसमें हमारा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है जो फ्लोवेल पे सिलेक्ट हुआ है, तो वो मुझसे मिलने आया एंड हमारे पास कुछ कुछ इंटरव्यूज़ हम रिकॉर्ड भी करते हैं बट वी कुड नॉट अपलोड हिज इंटरव्यू बिकॉज कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम्स थी, बट स्टिल होता ही है कि किसी किसी का इंटरव्यू डाल देते हैं वो सिलेक्ट नहीं होते, और जो सिलेक्ट हो जाते हैं जो आ जाते हैं हमसे मिलने के लिए यू नो इन अ वेरी हैप्पी मूड कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, उनका इंटरव्यू होता नहीं है. तो ये दिस वीडियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी वेरी गुड कंपनी एंड अ फ्रेशर स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ है एंड उनका इंटरव्यू भी हमारे पास है बट उसमें कुछ ऑडियो के इश्यूज हैं. देन वही इसी वीडियो के अंदर द स्टूडेंट हैज कम हेयर आफ्टर वर्किंग फॉर एटलीस्ट 20-22 डेज, बीच में उसको टाइम मिला तो वो आ गया हमसे मिलने के लिए. तो पूरा देखिए किस तरीके से सिलेक्शन होता है एंड फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपको एक तरीके से पता चलेगा कि यू नो इंटरव्यू में उसने क्या कपड़े पहने थे वर्सेस अभी क्या किस तरीके से बात करने का तरीका है, क्योंकि इंटरव्यू में इट्स नॉट जस्ट नॉलेज, इट्स ऑल्सो योर पर्सनैलिटी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस है, बिहेवियर है, पर्सनैलिटी है, तो इसको देखिए और इससे कुछ सीखने की कोशिश करिए. हाई एवरीवन, सो दिस इज़ आवर स्टूडेंट दिनेश हु गॉट सेलेक्टेड एट फ्लोवेल, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज एट आरबीएम कैड एंड वर्क्स इन अ वेरी कॉरपोरेट स्टाइल, बहुत अच्छी कंपनी है एंड ये यहाँ पे डिज़ाइनर के रोल पे लगे हैं, इनका काफ़ी अच्छा पैकेज भी है और ही डिड सॉलिड वर्क्स, तो कॉन्ग्रेचुलेशन. तो आप ऑटो कैड आपने कहीं और से करा था? हाँ सर, ऑटो कैड मैंने 1 ईयर पहले मतलब कहीं और से कर लिया था. ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था? मैंने नहीं मुझे जमा हुआ तो फिर मैंने छोड़ दिया, सॉलिड वर्क्स मैंने कराएंगे. डिजाइन फील्ड से ही आपने पूरा ही एग्जिट ले लिया क्योंकि ऐसा क्या करा दिया था उन्होंने, क्यों नहीं वो नहीं आया समझ में, तो फिर मैं 1 ईयर तक जॉब की. हाँ, फिर मैंने तो फिर ये था कि ग्रुप वाइज चलता है, 5 बंदों का ग्रुप है, तो टीचर भी सपोर्टिव थे, विभूति सर थे, तो उन्होंने अगर क्लास नहीं समझ में आ रही तो रिपीट भी कराया उन्होंने. वहाँ क्या टीचर थे? वहाँ तो ये था कि पर्टिकुलर टीचर एक ही है तो नहीं बैठ पा, एक टीचर था वहाँ पे. चलो यहाँ पे बढ़िया था गाइडेंस भी थी प्रॉपर, किसी भी टीचर से कुछ जो सारे प्लेसमेंट भी तो कराई आपकी. तो प्लेसमेंट है. चलो ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ से इंजीनियरिंग करी थी? मैंने बीटेक अपनी रोहतक से की है. अच्छा. बेसिकली मैं बल्लभगढ़ का रहने वाला हूँ, फरीदाबाद के पास ही. ठीक है, तो इसमें मैंने ऑटो कैड एंड सॉलिड वर्क्स किया था. ठीक है, तो उसके बाद ग्लोबल कंपनी आई थी इसमें इंटरव्यू के लिए, उसमें 4 राउंड हुए थे जिसमें. ठीक है, 2 राउंड तो यहीं पे हुए थे. अच्छा, आरबीएम पे 2 राउंड लिए थे यहाँ पे उन्होंने. हाँ, अच्छा, उसमें ये 4 राउंड्स के बारे में जरा बताइए एक बार. उसमें सर फर्स्ट राउंड ये था कि जिसमें रिटर्न था, बेसिक था, मतलब बेसिक रिटर्न भी काफी लंबा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसमें. 30 क्वेश्चन थे. हाँ ठीक है, तो सर उसके बाद था फिर थोड़ा टेक्निकल राउंड था जो वर्बली पूछा गया था, बेसिक चीजें पूछते हैं वो. उसके बाद 3rd राउंड के लिए इंटरव्यू कॉल आई थी, तो वहीं पे था कॉर्पोरेट ऑफिस में वाटिका में. हाँ, वाटिका. हाँ, हाँ, तो उसके लिए फिर उस पर एक और इंटरव्यू हुआ था. हाँ, उसमें भी वो भी 20-30 मिनट के राउंड. अच्छा, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर कॉल आई थी 4th राउंड के लिए. फिर वो एचआर वाला होगा जिसमें उसमें मेन टेक्निकल राउंड हुई था. अच्छा, 4 टेक्निकल. हाँ, क्या पूछे थे, कुछ क्वेश्चंस बताइए थोड़े बहुत. उसमें सर फर्स्ट सेकंड में तो ये था कि बेसिक फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल से रिगार्डिंग. फिर जो 3rd राउंड हुआ था उसमें जॉब के रिगार्डिंग भी था, क्या है थोड़ा, क्या करा था आपने, क्या करा था आपने जॉब में. जैसे मेरा सर मैं एनपीडी में था वहाँ पे. अच्छा, अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, एनपीडी में. और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस था इंजीनियरिंग के बाद. इंजीनियरिंग कब, 21 में भी थी 20 में? 2020 पास आउट था. 20 से 21
उसमें यही था कि ड्रॉइंग दिखाई थी उन्होंने बेसिक, उसमें GDNT के उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो सब क्या है, और बाकी उन्होंने थोड़े ड्रॉइंग्स पे दिखा दिया कि इसको बताओ इस सिंबल का क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ठीक है। और फिर उन्होंने बीटेक से रिगार्डिंग था थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है, रिगार्डिंग भी पूछा था, ओके, बीम वगैरह से रिगार्डिंग के कैलकुलेशंस। और कुछ बनवाया था सॉफ्टवेयर में आपसे? सर हमसे तो नहीं बनवाया था, वैसे उन्होंने पूछा था अच्छा कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चला लेते हो, बाकी उन्होंने थोड़ा बहुत उसके रिगार्डिंग। अच्छा, और आपकी तो, आप तो 10 फरवरी से जा भी रहे हो आज, 18 दिन से, क्या वहाँ पे थोड़ा सा ये भी बताओ हमारे स्टूडेंट्स को पता लगे भाई काम क्या मिलता है वहाँ पे, क्या कर रहे हो आप वहाँ से? अभी तो फिलहाल मैं सॉफ्टवेयर, एक नया सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसी पे बेसिक। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सॉलिडेयर यूज करते हैं। हाँ ठीक है, तो उसी पे ऑलमोस्ट द सेम, ज्यादा फर्क थोड़ी है। हाँ, वैसे एकदम सॉलिड एज की तरह ही, बल्कि सॉलिड एज में ये है, उसमें बस ये है कि थोड़ा बहुत देखना पड़ता है काम, बाकी सेम टू सेम सॉलिड वर्क, तो सॉलिड इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो वो उसकी ट्रेनिंग कोई दे रहा है आपको वहाँ पे? नहीं ट्रेनिंग नहीं, बस ये थोड़ा बहुत डाउट है वो पूछ लेते हैं, बाकी लगे रहो तो सिमिलर है। क्या पूरे दिन जैसे आप 10 बजे पहुँच गए शाम को 7 बजे तक वहाँ हो, क्या कराते हैं पूरे दिन आपसे उसमें? सर ये पहले तो मटेरियल थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं जो भी उसके रिगार्डिंग है वो सब, बाकी फिर मैं थोड़ा बहुत बना के भी देख लेते हैं, ड्राइंग वगैरह दे देते हैं उसमें जो बनाओ जो प्रॉब्लम हो पूछ लेते हैं, ठीक है। पूरे दिन डिजाइन का ही काम करवा रहे हैं आपसे? हाँ। अच्छा, तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाइज चल रहा है काम कि और सर इसमें कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट आते हैं तो? हाँ, तो वहाँ तो पहले भी आरबीएम कैड के 4 बच्चे, उनसे भी मिले आप? हाँ सर। हाँ, दो बंदों से तो मिल गया था, वो अभी भी काम कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी कंपनी है, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, दैट्स गुड। और यहाँ तो छोड़ना भी मत, ये तो इन्होंने तो बॉन्ड भी साइन नहीं करवाएंगे, इनको पता है कि बॉन्ड वो करवाएंगे भी नहीं आपसे, कंपनी है इट्स गुड कंपनी, इसमें तो PF ESI सब मिलेगा आपको, हेल्थ इंश्योरेंस एवरीथिंग यू गेट। करो इस पे 2-3 साल से पहले मत हिलना यहाँ से, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड कंपनी। और ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन।